बीजेपी सशक्त है। ये देखा आपने, ये वीडियो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA ने शेयर किया है मुझे, और उस पर लिखा है शेयर। इस वीडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA नफीसा शाह को कुछ खवातीन अब्यूज कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, लानते भी रही हैं। ये पूरी एक प्लांटेड गेम। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, उस वक्त बैकग्राउंड में एक आदमी सिंधी में कह रहा है, नारा हणो नारा, नारा लगाए, नारा लगाए। उसके बाद वो खवातीन उस पर नारा लगा रही, नारा 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 नारा। फिर जब वो नारा लगा के बंद कर रही हैं, तो वो आखिर में कह रहा है उठो, कि बस खत्म हो गई कहानी, इसी काम के लिए इधर बिठाया था और अब उठ जाए। देखिए, मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये गुजारिश है, इस वक्त आपके बाबा ने सिंध में अपोजिशन नहीं छोड़ी, पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रही है, अवाम कहीं नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है। इस वक्त डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। एक हलके में अगर दो इलेक्टेबल्स हैं, लाल साहब आपके बाबा ने, आपकी पुफी ने उन दोनों को कैप्चर किया हुआ, वो आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आपको यकीनन तारीख पढ़ी है आपने, आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, आप अपने नाना के दोस्त मुअम्मर कजाफी को जरूर जानते होंगे, आपने उनका उरूज देखा, किस तरह से उनका बेटा सैफुल इस्लाम पूरी दुनिया में जाता था, कोई उनको अपने घर पे बुला के, अपने महल पे बुला के उनको डिनर देती थी, टोनी ब्लेयर उनको माय फ्रेंड कहता था, वो पेरिस में शांज़ेलीज़ा पे 120 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता था, कोई उसका चालान नहीं करता था, वो पेरिस की कंपनियां उसके लिए मखसूस परफ्यूम बनाती थी, लेकिन जब आवाम का समंदर उसके खिलाफ हुआ, उसको कोई बचाने नहीं। जो दुनिया में बगैर वीजा के ट्रेवल करता था, उसके लिए दुनिया के बादशाह स्पेशल प्लेन भेजते थे, उसके लिए कोई नहीं। सोचें, बिलावल साहब इस वक्त सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल है, राधर देन के आपके MNA, आपके MPA, आपके पॉलिटिशियन अपने आपस में लड़ते रहें, कि इसमें अवाम वो अरब स्प्रिंग वाली सिचुएशन हो जाए और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। अब इस वक्त सोचने का टाइम है, खुदारा सोचें, आवाम के लिए कुछ करें। मिसट्रस्ट क्यों है? NGOs आपको पैसे नहीं देते, लोग आपको पैसे नहीं देते, ये क्या वजह है? आपको बदनाम किया है लोगों ने, कितना बदनाम किया है, देयर इज समथिंग जिसकी वजह से। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, जो आपके MNA, जो आपके MPA, जो आपके मिनिस्टर सारा दिन इस चीज में लगे होते हैं, वो चाहे कराची हो, वो चाहे आपका लड़काना हो, वो चाहे आपका खैरपुर हो, उनकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने हलके के दूसरे पीपल्स पार्टी के लीडर को नीचा दिखाऊं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। जागें, जागें, जागें।